दून विधानसभा में कांग्रेस को भारी मतों से हराने के बाद बीजेपी में जहां उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हार का अफसोस भी है। कुछ शरारती तत्वों ने इसका फायदा उठाकर बद्दी के वार्ड नंबर 1 और 2 में सीएससी बद्दी के समीप सड़क किनारे खड़े वाहनों के शीशे तोड़ दिए और वहां से भाग निकले। आसपास के लोगों ने जब तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो वे भी मौके पर पहुंच गए और तुरंत इसकी सूचना थाना बद्दी को दी। अब पुलिस भी मौके पर है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। मैं पार्क में घूम रही थी और मेरे चाचू और मेरे चाचू का छोटा लड़का जो 13 साल का था, वो लोग भी पार्क में थे और एकदम से उधर से कम 50 लोग आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। तो वो मेरा जो भाई था छोटे वाला, वो गिर गया, मेरे चाचू को भी पत्थर लगा। तो मैं उनको पीछे से बचाने के लिए गई तो मैंने उनके सामने हाथ भी जोड़े कि अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि वहां पे पार्क में छोटा बच्चा गिरा हुआ है, अगर तो 50 बंदों का हमला कर रहे हैं तब तो हम बात मान भी ले, बच्चा है, एक छोटा एक आदमी है, आप उनपे ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने, एक बंदे ने मुझे धक्का मारा और एक जो एमसी मेंबर है उन्होंने मुझे ब्रेस्ट पे हाथ मारा और मुझे फेंक दिया और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप चमारों को देख लेंगे। हम कि प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो ये कास्ट के प्रति ये लोग भेदभाव करते हैं या इन लोगों ने हमें हमेशा नीचा दिखाया है, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमने कल अपनी आंखों से देखा, इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई कि मैं मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि क्योंकि बंदों के सामने हाथ जोड़ने से भी इन्होंने ये नहीं देखा कि कोई बुड्ढा है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, कोई लेडीज, कुछ भी नहीं देखा इन्होंने, सिर्फ पत्थरबाजी कर रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजीव कौशल ने कहा कि कांग्रेस विधायक राम कुमार के समर्थक हार को पचा नहीं पा रहे हैं और हार की टीस को अपनी दबंगई दिखाकर निकलने की शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी के परमजीत पम्मी के जीतने की खुशी में पार्टी के कार्यकर्ता पम्मी के पक्ष में नारे लगाते जा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के रामकुमार के समर्थकों ने उन पर पत्थरों से हमला किया, जिसकी वजह से दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। उन्होंने रामकुमार पर राजनीति रंग देने का आरोप लगाया है। एक नंबर और दो नंबर वार्ड में जो झगड़ा हुआ, वो झगड़े का कारण जो इन्होंने बीजेपी को कार्यकर्ताओं का ठहराया, वो सरासर गलत है। हमारे कुछ लड़के जीत की खुशी में वहां से आ रहे थे और उन्होंने पम्मी भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो इन जो इनके लड़के थे वार्ड नंबर 1 के कांग्रेसियों ने उनको गाली गलौज शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कुछ लड़के दे रहे हैं तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें महिलाएं भी पत्थर मार रही थी और बुरी हालत कर दी। इतने में ये बात हमारे जो वार्ड नंबर 1 के एमसी हैं श्री भगतराम जी को पता चली, वो आए उन बात करने की, क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो जी, आप गाली मत दो, जीते हैं लड़कों ने नारे लगाने हैं। तो उन्होंने पथराव कर दिया और उनका सिर फाड़ दिया, उनके सिर में पत्थर लगा, 4 टांके लगे और बुरी तरह वो गिर गए और भी चोटें आई। उसके बाद इन्होंने 4 आदमियों के ऊपर हमला करके उनका सिर फाड़ दिया, जिसमें काला है, बिक्की है और भगतराम जी हैं और दीप है। इनको रात को फिर हॉस्पिटल में हमने इनकी जो था टांके वगैरह लगवा के पट्टियां वगैरह कराई और किया। सुबह विधायक जो पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी, इसको राजनीतिक रंग देने के लिए सुबह पहुंच गए और उन्होंने ये कह दिया कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनसे मारपीट की, जबकि इन्होंने मारपीट की जहां गाड़ियां खड़ी थी उस तरफ हमारे बंदे खड़े थे और उधर से पथराव किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पहले ही पत्थर इकट्ठे कर चुके थे। उधर कांग्रेस के रामकुमार ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। चुनाव हुए, हार जीत बनती है, वो लोग जीत गए, मैंडेट उनको मिला तो हमने उसका स्वागत किया, कई लोग खुशी खुशी अपने घर जाएं। लेकिन उन्होंने जैसा लोगों को अंदेशा था कि अगर ये जीते हैं तो बद्दी में गुंडा राज जो शुरू हो जाएगा, उसकी शुरुआत उन्होंने जो है वो कल हरिजन बस्ती बद्दी से की है। पहले रास्ते में काफिले में उन्होंने, हम भी 6-7 इलेक्शन हमने जीते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी के साथ बस्ती रुकी या रास्ते में कहीं तो शराबा। उन्होंने बहुत ज्यादा जैसे फायरिंग, नजायज अवैध हथियारों से फायरिंग भी हुई और बद्दी ये हरिजन बस्ती बेटी बेचारी कहीं पार्क में घूम रही थी, इसके साथ अश्लील हरकतें जो है उन्होंने की, घरों में जाके इनको जो है मारा, पथराव के सारी गाड़ियां की तोड़ दी है। तो इस तरह का आलम जो है वो बद्दी में अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरेगी और जिस तरीके से मैं समझता हूँ इन्होंने शुरुआत की है तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आदमी जो है लगभग 1 साल के अंदर जो है वो फेल हो जाएगा। और मैं इन जो गरीब लोग हैं इनकी लड़ाई जो है वो अपोजिशन में रह के हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तो किसी पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उसके लिए हम कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर उतरेगी और अपना जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी लड़ाई जो है वो लड़ेगी। धन्यवाद।
एसपी बद्दी राहुल नांचन ने मामले की पुष्टि की है और बताया कि रात को थाना बद्दी में सूचना मिली कि वार्ड नंबर 1 में लड़ाई हो गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके का जायजा लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है।